जो पहले इंडिया से लोग आते थे पैदल जो रास्ता था वो ये था, ठीक है, रोड हो गया, ये वाला रोड जो दिल्ली वाले अटैच करता जाता है, ये करीम है, यहाँ पर पड़ाव है, अभी भी है, सराय है, अभी भी है, धर्मपुर में चार सराय हैं, धर्मपुरी में चार सराय हैं, सदर में दो हैं, कैंट के अंदर हैं, जो उस जमाने में जो सदियों पहले सराय था। रेस्टोरेंट मशहूर रवायती मंसूर ग्रोही रवायती रवायती ग्रोही मंसूर ग्रोही मौजूदा आप कह सकते मौजूदा ये है मैं रावल क्या मैं रावल ठीक है मेरे पर्दे प्रबंधन और पर्दे माशरे बिल्कुल अलग है खाने का अंदाज अलग ठीक वो भी हुए क्या है उनका अंदाज अलग है ठीक है ये रात अब है हो गया आदमी तो ये रात मगर इलाकाई तकसीम हो गई क्या तकसीम हो गई इनके यहाँ जब शादी हो रही है तो वहां पर जी शक रहा क्या है क्या है भी चल रहा था लोटों की ज्यादा नया नया आपकी जाते हुए लोटों की ज्यादा है ठीक है ना ना नया गया था रोहतक राव साहब ने बचपन भी डरवाया बात समझी ये क्या है ग्रोही उनका वो मशहूर अंदाज है कि जब तक भी सकाना ना होगा वहां अब जब तक बड़े बड़े बोट ना होंगे बोझ के क्या बोट बोट नहीं बोट ठीक है तो मे नहीं बात होंगी ना ये इलाकाई सफाफत रवायती सफाफत ठीक है वहां कहावत है कि गुड़ की बेली देनी बेली में गन्ना नहीं देना गन्ने के इसे काट देना बच्चे का गन्ना की मोटी है सारों के गुड़ी एक पूरी और गुड़ यानी गन्ने की रोड़ी वो दे देनी है और पेसी गुड़ी रोड़ी गुड़ की पेसी नहीं देनी क्योंकि एक गुड़ की पेसी पर कितने गन्नों से बनती है वो दे देनी वो दे देनी आप गन्ना नहीं देना गन्ना नहीं देना तो चलो नहीं आता तो तुम्हें गन्ना बोल रहा हूँ बात ये इसलिए ही है कि इलाके तहजीब सकाफत करवाए लखनऊ दिल्ली मेरठ हैदराबाद दक्कन डिफरेंट जब तक सुबह में बैठेंगे वैसे मुसलमान या वैसे वो भी नीचे बैठ के खा रहे वो भी नीचे बैठ के खा रहे ठीक है अब दोनों में तमदन मिल रहा है दोनों में एक तमदन मिल रहा है जो पुरानी रिश्ते हैं बैठे पश्चिम इश्तेहार है तो चिलंकी आपके आगे मुद्दा ले आएगा आपने हाथ धो लिया इसको कहें दौरे दिया आपको बोले चल चला गया बोला तो आपके हाथ धोला मुस्लिम आते हैं वहां पर क्या मान लिया उन्हें ऐसा किया जाए दोनों नीचे बैठे हुए ठीक ये ग्रोही पर खा गया खाने का अंदाज एक है लुकमा वहां पर खाया जा रहा है लुकमा वहां पर खाया जा रहा है छोड़ के ठीक है वहां पर भी छोड़ के लुको के खा रहे हैं चाहे वो सब्जी का है या बढ़िया पकी हुई है यहाँ गोश्त पका हुआ बढ़िया है बड़ियों को शक्ल देती गोश्त बात समझी चोरबे में पकई फिर गोश्त पका हुआ है वहां पर भी छोड़वा है वहां पर भी छोड़वा है ऐसा जगह पे ये माशरत है जिस माच में आप रह रहे हैं वो है तकसीम वहां बोलते हैं वहां बढ़िया ये ग्रोही होगी बात समझ गया अब क्योंकि हिंदू माशरे में गोश नहीं है तो फिर वो मुंगोचियां हैं बढ़िया हैं खड़बियां हैं अरबी के पत्ते हैं ये चीजें हैं जो हमें
बारिश हुई आकर विलेजर पहले हमारे खाने मुख्तलिफ माशरों का आपस में मिलाप होने के बाद मुख्तलिफ तहरीकों का एक नई चीज सामने आई जो पाकिस्तान की ग्रीन ग्राम सस्ते और महंगे पानी बल्कि हम यानी सर्विस की सहूलत के साथ प्रदान करना तरीकी पसंद तारीखी पसंद तारीखी उन्होंने होटल के रेस्टोरेंटों से जन्म लिया और उनकी इब्तदा की शेफ ने की जो फूड एंड बेवरेज के हवाले से अपने जाती कारोबार में दिलचस्पी रखते थे। बाद में आगे तो मैंने बताया आपको कि 20 मिनट गुजार कर काम कर रहा था, महीने के बाद खड़ा था क्या बच्चे परेशान बीवी परेशान वहाँ फिर छोड़ दिया ढाबे से जा पड़ा अपने काम अब वो शराब किचन से निकल आया ना पॉपुलर कैटरिंग बशमूल कैफे पिज़्ज़ा ग्रिल कॉफी शॉप स्टेक हाउस निचले से दरमियाने दर्जे की कीमतों तक फूड एंड बेवरेज की दस्तियाबी जिसमें महदूद सतह की सर्विस भी दी जाए। इसके इतका में बहुत से मरहले आए जदीद दौर में इस पर अमरीकी तर्ज कर्जबाजी है तो गालिब आ गया अब अमरीकी तर्ज गालिब आया हुआ है ठीक है तो मुस्लिम तहरीक में गालिब आती है मगर जो बुनियाद है जिस पर बिल्डिंग करी है वो भी तक मजबूत है। आपका अपना एक कल्चर है हम बर्गर खा रहे हैं चलमी खा रहे हैं तो जब तक हम रोटी खाना नहीं खाते हमारी भूख नहीं मिलती नहीं मिलती ठीक है तलब रहती है तो क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग बहुत मजबूत हमारी बुनियादी बहुत ठीक है। अब आज से 30 साल पहले मैंने वहाँ बुला दिया कि ये फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ये इंसान को खुला देते हैं मोटा कर देते हैं ठीक है मेरा मजाक बनाया गया ऐसा किया उन्होंने एक ने कहा कि हाँ यार ठीक है आज बात होती हो आज ये बात कि फास्ट फूड इंसान को बहुत मोटा करता है मेरे दम पर जीता किसी ने जी आगे बढ़ सर देखिए कि अमेरिका में पूरे शुरुआत कर हमारे खाने पे देखिए कि इन्फ्लुएंस बहुत है अमेरिकन लेकिन हम अमेरिकन खाने को थोड़ा थोड़ा देसी टच दे रहे हैं ना बिल्कुल दे रहे हैं नहीं आपको जितना भी यहाँ पे 99.9 टच जैसी हो गया टच इलाका है आप मरूंगी जिंदा है मरूंगी पहला पिज्जा मास्टर कबीर साहब अभी कबीर साहब जो आए पिज्जा की भाग कर दिया एक महीने के बाद जब तक लोग आते रहते तो कहा एक महीने के बाद अब फीडबैक आनी शुरू हुई डेथ हो गया फीडबैक आई उसमें ये कहा ये खुद पुसा खुद होगा कलीर ने मुझे रात तक किया कि यार कैसे से बात है मैं सीधी सी बात है हमारे कश्मीर में लाल मिर्च है हमारे कश्मीर में लाल मिर्च है ठीक है थोड़ा सा टेस्ट भी करे मैं लगे वो नहीं करना नहीं मैं कभी डाल दी पैसे चले जाओ पता हो जाएगा उन्होंने उसको अलगा रहा था या परमिशन लेके चल बराबर क्योंकि जितनी पर कोठी बन रही है जो ऊपर बिल्डिंग करते हैं उसमें रेट चली है ठीक है। अब वो फिर मैंने कहा टिक्के को बना लो वो डालो टिक्के को आप बना के डालो उसमें नाम पाकिस्तानी लोग नीचे नानी है ना चोर तो नान की है बाकी है तो जो भी जो बच्ची लगा के आप टॉपिंग करें फ्री करके भेजें चल बड़े ये है बात क्योंकि तो चलिए पास खाइए अब जितने चलिए हम बाहर हैं ठीक है तो क्या है और नहीं ये उल्टा पाकिस्तान की बात लाल मिर्च इसमें है। अब आप मंत्रिय क्यों चौक बताते हैं रंग भी लाल है ना शोरबे ऐसा लगता है मजा आता है तो बहुत खाते हैं ठीक है। फास्ट फूड मसलन मैकडोनल्ड टीम बर्गर वगैरह अलग दर्जे के महसूस माहौल में फूड एंड बेवरेज फ्राहम करना जहाँ कैशियर सरमायाकारी की जाती है
लेबर पर आम सतह से ज्यादा लागत आती है और कस्टमर्स की बड़ी तादाद से